दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं आज अपने घर में बहुत ही स्वादिष्ट बोनलेस चिकन मसाला। सबसे पहले हमने पैन में सरसों का तेल डाला और फिर थोड़ी सी दालचीनी डाली और फिर चार पांच काजू के टुकड़े डाले, फिर उसमें तीन कटे हुए प्याज डाले। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनने लगे। इसको तब तक भूने जब तक ये बराबर लाल ना हो जाए। प्याज हमारे लाल हो चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर में हमने हरी मिर्च डाली हुई है, अब हम इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे। टमाटर हमारे थोड़े थोड़े भुने जा चुके हैं, अब हम इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे जो कि बोनलेस चिकन है और हमने इसे पहले से ही काट कर और पानी में भिगो कर रखा हुआ था। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इसको अच्छी तरह से भूनते जाएं और हिलाते जाएं। ये जो इतने बड़े बड़े प्याज और टमाटर दिख रहे हैं ये सब अच्छी तरह से घुलने चाहिए। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और फिर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसको हिलाएंगे, इसको हल्का हल्का भुने जाएं। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और ढक्कन बंद करके इसको 5 मिनट तक रखेंगे। अब ढक्कन खोल लेते हैं। देखिए मसाला हमारा थोड़ा तैयार हो गया है, अब इसको हलाएंगे। इसमें अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी तरी बन जाए और उसके बाद सारा मसाला घुल जाएगा। अभी इसमें थोड़ा येलोपन है, हमने इसको ख़त्म करना है और इसको अब अच्छी तरह से पकाएंगे और भूनते जाएंगे। ये देखिए ये जो हमने पानी डाला था वो अच्छी तरह से सूख गया है। अब इसको धीमी आंच पर अच्छी तरह से भूने। इसको तब तक भूने जब तक ये तेल ना छोड़ जाए। ये देखिए अब तैयार हो गया है हमारा असली चिकन मसाला। इसे देखकर तो मुंह में पानी आने लगा। ऐसा चिकन आप घर में आसानी से बना सकते हो। ये चिकन होटल ढाबों को भी फेल कर देगा। अब हम इसको प्लेट में परोसते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन वाला बटन भी दबा दें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।